खो खो इंडिया में खेले जाने वाले मोस्ट पॉपुलर इंडिजिनस स्पोर्ट्स में से एक है। खो खो एक लैटिन और संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब है गेट अप एंड गो, यानी हिंदी में कहे तो उठो और चलो। ये एक रन और चेज वाला गेम है जिसमें एक टीम भागती है और दूसरी टीम उसका पीछा करती है। जो भी टीम तय समय के अंत तक ज्यादा खिलाड़ियों को टच कर पाती है उसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और वो मैच जीत जाती है। खोखो का ये खेल हमारे महान ग्रंथ महाभारत जितना ही एपिक और पुराना है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के 13वें दिन कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की योजना बनाई। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने एक विशेष मिलिट्री डिफेंसिव प्लान से इस चक्रव्यूह को तोड़ा। अनफॉर्चुनेटली वो इस युद्ध में मारे गए। लड़ने की इस शैली ने रिंग प्ले की तकनीकी को दर्शाया जो खोखो के खेल में एक डिफेंसिव रणनीति के तौर पे अपनाया जाता है। शुरुआत में ये खेल रथों पर बैठ के खेला जाता था और इसी कारण से अपने प्राचीन रूप में इस खेल को रतेरा के नाम से जाना जाता था। आज खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन और एशियन खो खो फेडरेशन के साथ मिलकर इस गेम को पूरी दुनिया में डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। श्री राजीव मेहता, श्री सुधांशु मित्तल और श्री MS त्यागी की एबल लीडरशिप की बदौलत आज खो खो का ये खेल भारत की हर एक डिस्ट्रिक्ट में खेला जा रहा है। भारत का ये ट्रेडिशनल खेल आज 25 से भी ज्यादा देशों में काफी पॉपुलर हो चुका है। खो खो के कुछ रीसेंट माइलस्टोन्स की बात करें तो दिसंबर 2019 में इंडिया की वुमेन्स और मेन्स दोनों ही टीमों ने काठमांडू में खेले गए 13 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। सितंबर 2018 में लंदन में फर्स्ट इंटरनेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने किया। 2018 में ही जकार्ता में खेले गए 18 एशियन गेम्स के दौरान ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की कमेटी मीटिंग में भी खो खो को रिकॉग्निशन मिली।